पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह पंजाबी समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए नगर निकाय चुनाव पर कहा कि हमारी सरकार ने जो काम किया है उन कामों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आगे रखेंगे और जिस तरह हम पूर्व में नगर निकाय चुनाव में अच्छे परिणाम लेकर आए हैं, इस बार भी प्रदेश की जनता काम करने का आशीर्वाद हमें देगी। तो वही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए कहा कि 2012 से 17 तक का कालखंड देखो, महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े विषयों को देखो, महिलाओं को सुरक्षा से जुड़े हुए, सांप्रदायिक दंगों से जुड़े हुए और चोरी, डकैती, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इन सभी को देखो और आज के वक्त को देखो जिसमें अपराधी कहाँ है, माफिया कहाँ है। आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अपराध न्यूनतम स्तर पर है और सरकार संकल्पित है। जहां जहां इस तरह की घटनाएं हुई है हम लोग ऐसी नजीर पेश करेंगे, कानून व्यवस्था के तहत समय से दंडित होंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सरकार बहुत जल्दी निर्णय कराने का काम करेगी। क्षेत्रीय महामंत्री परम आदरणीय श्री अयोग शर्मा जी मंच पर अपना साथ गिरा करें। अयोग शर्मा जी साथियों, देश के प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में अभियान चला रही है। पहले दिन रक्तदान शिविर आयोजित किए गए थे और आज 26 तारीख को जो अपना विविधता में एकता, अलग अलग संस्कृति भाषा भाषी लोगों के साथ मिलकर समन्वय के लिए हम लोग सब मिलकर पूरे प्रदेश भर में आज देश भर में ये कार्यक्रम मना रहे हैं। आज मुरादाबाद में पंजाबी समाज के लोगों का कार्यक्रम था तो आज हम लोगों ने उनके भाषा, उनके कल्चर, उनके इन सब विषयों को आत्मसात किया है। और 2 अक्टूबर में देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के जयंती के दिन स्वच्छता, सेवा, स्वावलंबी, खादी, इन सब विषयों पर हम लोग फोकस करेंगे। पूरे 15 दिन के जो कार्यक्रम पार्टी ने डिजाइन किए हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सेवा के कार्य और रचनात्मक कार्य और देश के प्रधानमंत्री जी के जीवन से जुड़े विषयों पर हम लोग फोकस करेंगे। 15 दिन का हमारा अभियान है। आज उस अभियान में ही मुरादाबाद में ये कार्यक्रम है, मैं यहाँ आया हूँ। आज पंजाबी समाज के कार्यक्रम का है, बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ है। उन्होंने अपनी संस्कृति से जुड़े विषय, अपनी भाषा से जुड़े विषय प्रमुखता से हम सब लोगों के बीच में रखे हैं। जहाँ तक आपने चुनाव की बात कही है, नगर निकायों के चुनाव हैं और 5 सीटों के इस विधान परिषद के चुनाव, तो नगर निकाय के चुनाव निश्चित रूप से समय से होंगे। MLC के चुनाव 3 सीटें स्नातक वाली हैं, इसमें मुरादाबाद, गोरखपुर और कानपुर है, और 2 सीटें शिक्षक की हैं, कानपुर और प्रयागराज। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत से, और हमने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े क्षेत्र में जो काम किए हैं उन कामों को आगे रख के हम लोग स्नातक का शिक्षक का चुनाव लड़ेंगे। और जो नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव में अधिकांश में भारतीय जनता पार्टी के मेयर चेयरमैन हैं।